गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना। आलू और शिमला मिर्च बनाने के लिए ये हमने दो बड़े आलू लिए हैं। इनको हमने इस प्रकार से लंबाई में कट कर लिया है। दो हमने शिमला मिर्च ली हैं, इसको भी हमने लंबाई में कट कर लिया है। ये शिमला 300 ग्राम के आसपास है। बड़ी दो शिमला मिर्च ली हैं और दो ही हमने आलू लिए हैं बड़े, वो हम दोनों चीज़ों को हमने लंबाई में कट कर लिया है। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है और आधा ही चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और नमक हमने स्वाद अनुसार लिया है। नमक ये आधा चम्मच है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो आइए बनाते हैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल मैंने इसमें एक बड़ा सर्विंग स्पून के आसपास डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चौथाई चम्मच जीरा डाल दूंगी और जीरे के साथ ही मैं ये सारे मसाले डाल दूंगी। अब मसाले के अंदर मैं ये आलू को डाल दूंगी। आलू हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसे मैं एक मिनट के लिए भून लूंगी और इसे मैं ढक कर एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी स्लो गैस पे। आलू को हमारे एक मिनट हो चुका है और इसे मैं हिला दूंगी। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है आलू शिमला मिर्च की और बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। ये मिर्ची अच्छे से मिक्स हो चुकी है, फिर से मैं इसे एक से दो मिनट ढककर पकने के लिए स्लो गैस पे ही छोड़ दूंगी। तो आइए चेक करते हैं और ये हमारी सब्जी देखने में बनकर तैयार हो चुकी है। देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। आलू भी हमारे गल चुके हैं बिल्कुल। ये देखो कितने अच्छे से आलू हमारे गल चुके हैं। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं एक बाउल में सर्व कर लूंगी। ये हमारी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।